गाइज वेलकम टू जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूँ सतीश और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। क्यों खास रहने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक दैट इज़ नैप तहसीलदार। नैप तहसीलदार पोस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे मैसेजेस मुझे इसके रिगार्डिंग आए, क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने भी इस पोस्ट के बारे में जिक्र किया तो बच्चों को और थोड़ा क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि ये पोस्टें कब आने वाली है, क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी की सारी चीज़ें सही सही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप मैसेज करें अभी 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करोगे आपको हमारे जेके एस एस बी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अब आप बात करूँ आज की इस वीडियो में। मैं बात करने वाला हूँ नैप तहसीलदार की एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम का जो डेट है, मतलब कब ये नोटिफिकेशन जो आप लोगों के सामने नज़र आ सकती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड इसके बातें जो होंगी वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ओके सॉरी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं बता दूं कि मुझे हम लोगों को बेसिकली जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जो रिविजन क्लासेज आप लोगों की टॉप 100 MCQ सभी सब्जेक्ट के वो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो मेरा एक्चुअली कुछ दिक्कत चल रहा है, मेरा माइक का थोड़ा इशू चल रहा है, मे बी एक दो दिन में जैसे मेरे पास आता है तो क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को कोशिश करेंगे कल या परसों से आप लोगों की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आप लोगों की जो रिविजन क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, बाकी आपका जो करंट अफेयर है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम आप सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक दैट इज नैप तहसीलदार के ऊपर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन ही रहने वाला है। ओके, सो मतलब अब कोई भी पोस्ट हो, इवन आप KS देखो, उसके बाद UPSC देखो, तो ग्रेजुएशन जो है दैट्स अ बेस एक्चुअली, ठीक है। ग्रेजुएट हो आप, बाकी इसके ऊपर आई थिंक परसेंटेज थोड़ा रखेंगे ये लोग, बट परसेंटेज 99% चांसेस है कि नहीं रखेंगे, सिंपल ग्रेजुएशन ही ये मांगेंगे। क्वालिफिकेशन रहती है ग्रेजुएशन है, ठीक है। उसके बाद हम मेन बात करते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है NT के लिए, ठीक है। NT का जो सिलेबस है क्या रहने वाला है, तो सिलेबस आप लोगों का जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है JKSSB का वही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। हाँ, ये है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे आप लोगों के इसे GS वाले पोर्शन में, इंडिया स्पेशली इंडिया वाले जो पोर्शन में, बाकी आप लोगों का जो सिलेबस है ऐसे समझ लो कि ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, इस बार जो पेपर होंगे वो होंगे दो, एक तो आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है, तो उस लेवल का पेपर रहेगा एक। सॉरी, चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ ऐसे करके कि एक पेपर आपका जो कॉमन रहता है, ओके, एक पेपर आपका जो कॉमन रहेगा, मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा, और एक पेपर होगा आप लोगों का ऐसे राइटिंग के ऊपर, मतलब आप लोगों को ऐसे एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब रिटन फॉर्म में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसे आप लोग बोल सकते हैं, एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। फर्स्ट पेपर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा, दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एप्लीकेशन दी जाएगी जिसके ऊपर आपको लिखना है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के डेट के बारे में कि इसका जो एग्ज़ाम है, देखो सबसे पहले हमने क्वालिफिकेशन बात करी, देन उसके बाद हमने सिलेबस की बात करी, तीसरी हम बात करेंगे डेट की, फिर उसके बाद मैं आपको बात करूँगा कि हम लोग कब से स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहने चाहिए, स्ट्रेटजी मतलब होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, क्लियर है। चलिए डेट की अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि FA का जो पेपर है वो अभी तक हुआ नहीं, उसकी कोर्ट पे केस मतलब चल रहा है, उसके बाद VLW हो गया, उसके बाद पटवारी हो गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इंस्पेक्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, बहुत सारी पोस्टर निकली थी जिनका पेपर नहीं हुआ, ठीक है, ऑनेस्टली।
अब ये 2023 का जो मिड रहेगा, ठीक है, मिड पोर्शन रहेगा, सबसे पहले ये एग्जाम्स जो होंगे इनको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको कंप्लीट करना होगा। लेकिन लेकिन आप लोगों को इसकी जो पोस्ट है ना नैब सीधा की, ये बहुत जल्द मतलब आप लोगों के सामने आ जाएगी। मे बी आप लोगों का मार्च अप्रैल में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, मार्च अप्रैल, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेब 20 तक तो आप लोगों का कुछ भी, आप मान के चलो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। अब फागा जो पेपर अटका है वो अब सारे का सारा टिका हुआ है कोर्ट केस के ऊपर, ठीक है। अब कोर्ट केस लगा हुआ उसके ऊपर, तो अब उसकी हेयरिंग या उसकी जो भी प्रोसीडिंग होगी या जो भी डिसीजन होगा उसके बेसिस पे जो भी है वो होना है। लेकिन अब जब तक फाग का सिस्टम कुछ नहीं होता तब तक नेक्स्ट जो पोस्टें हैं, जैसे आपका VLW हो गया, क्योंकि ये बाद में पोस्टें निकली हैं तो इसका पहले एग्जाम कराना इन चीज़ों को छोड़ के फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए नहीं होगा। तो इसलिए एक जो एक्सपेक्टेड मंथ मैंने आपको बताया वो आप लोगों का मार्च या अप्रैल हो सकता है, क्योंकि सुनने में आया कि मार्च में क्या पता, देखो अभी जो हेयरिंग है फाग की वो शायद अब फेब में नहीं, आई थिंक मार्च में है, मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं, बट मार्च में है। बट अगर मार्च में उसका डिसीजन आ जाता है तो मार्च में अगर किसी डेट पे एग्जाम होता है तो नोटिफिकेशन जो है एंटी की वो पहले निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो बात मुझे करनी है कि हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एंटी जो है ना बहुत बड़ी पोस्ट है, सीधी सी बात है। ये SI वैसे ही, ये क्लर्क स्लर्क असिस्टेंट वगैरह, ये सारे के सारे लोग, ये पहली चीज़, ये जितने असिस्टेंट हो गए जितने भी ऐसे वगैरह लगेंगे भाई, एनटी के सामने ये सारी पोस्टें ऐसे समझ लो मतलब बिल्कुल लोअर पोस्ट हैं, ठीक है। एनटी पोस्ट, नैब सीधा पोस्ट, आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट है। तो अब इतनी बड़ी पोस्ट है तो इसके लिए कंपटीशन भी समझ लो भैया, कंपटीशन भी दबा के होगा। सिर्फ मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कब से इसका स्टार्ट करने वाले हैं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा सिलेबस जो है वो ग्रेजुएट लेवल का रहने वाला है, और ग्रेजुएट लेवल में सिलेबस आप सभी को पता है क्या आता है, उसमें ये आता ना इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जे एंड के जीके हो गया, इंडियन जीके हो गया, उसके बाद क्या आता है कंप्यूटर आता है, उसके बाद क्या आता है मैथ रीजनिंग क्या हो गया, हाँ मैथ्स, मैथ्स पोर्शन। अरे यही तो है सिलेबस, और ये वही सिलेबस है जो ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्टली जो बंदा कहे, हाँ भैया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, हम वैसे लोग बन चुके हैं यार। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं थर्ड पार्टीज़ पे, लाइक यूट्यूबर्स, मतलब जितने भी लोग ऑनलाइन करा रहे हैं। अगर कोई, मैं 100% गारंटी हाल लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई बंदा बोलेगा ना कि हम लोगों ने नैब सुलदार का कोर्स मतलब स्टार्ट किया, बाइक ज्वाइन कर लो 200 रुपये 300 रुपये में, मैं गारंटी कह सकता हूँ हज़ारों लोग उसमें जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि ये बंदा पता नहीं क्या कराएगा। भाई आप लोगों को पागल बनाया जाता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी पढ़ना है ना, अगर कभी पढ़ना है तो सबसे पहले देखा करो, बेस देखा करो चीज़ का, ठीक है। आप अगर देखोगे जो बच्चे VLW की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने फा का तैयारी किया हुआ है या पंचायत जिन्होंने तैयारी किया हुआ है, भैया इसका ही 90% सिलेबस एनटी का यही सिलेबस तो है। तो आपको एनटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो रिवीजन क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को JNK GK हो गया, उसके बाद मतलब जितने टीचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट करवा रहे हैं, वो क्या है, वो यही तो है जिसमें आप लोगों का VLW, पटवारी, ठीक है, उसके बाद एनटी, ये सारे एग्जाम तो कवर करेगा। हाँ ये है कि एनटी में जब आप पेपर दोगे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चंस अलग होंगे, बट टॉपिक तो वही है। टॉपिक अगर आपने कर लिया, अगर हमने बाद में फ्री में एक और सेशन चला भी दिया तो आपका इजी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बस आपको आराम से वो सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब
समझ आ गई। अब स्ट्रेटेजी में बता देता हूँ आप लोगों को, आपको स्ट्रेटेजी में क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, बस आपको दिल से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसे आप लोग मैक्सिमम मिस कर देते हो, दैट इज रिविजन। भाई आप लोग ना शक्तिमान बनना चाहते हो, आप बनना चाहते हो रजनीकांत, ठीक है, और रजनीकांत भाई मत बनो, क्योंकि मैं क्यों शक्तिमान रजनीकांत बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं सारी चीज़ें पी लूँ, पूरा सिलेबस जो है वो मैं रट लूँ। भाई पूरा सिलेबस कभी ज़िंदगी में नहीं रटा जाएगा। अगर आप बात IAS की करो ना, अगर इसके सिलेबस देखोगे ना तो पहले दिन ही मर जाओगे। हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, और स्ट्रेटजी मैं इतनी चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे सिलेबस का अगर आप अच्छे से 50% भी कर लो ना तो भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, तो भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। बोलो कैसे? क्योंकि अगर यहाँ यहाँ पेपर कैसा होता है, पेपर होता है MCQs बेस्ड, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप कभी कोई चीज़ पढ़ के, एलिमिनेशन मेथड का नाम सुना है ना, एलिमिनेशन मेथड का, देखो ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि 50%, बट एटलीस्ट अगर आपने 80% पढ़ा है ना, बाकी आपको करने ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अगर 80% पढ़ा है और उसको कम से कम 3 से 5 बार अगर आपने रिविजन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको वो से बाहर कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों का दिक्कत यह है कि हम आज भी I'm sorry to say गधे की तरह काम कर रहे हैं। सच बताऊं, हमें बस ये बोला जाता है बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते 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 हम इतनी दूर बोझा उठा के निकल पड़ते हैं, भाई हमें खुद भी नहीं पता चलता हमारे साथ हो क्या रहा। समझ आ रही है? इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो। आप लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क, आपको सिर्फ पता है स्मार्ट वर्क और स्पेलिंग पता है स्मार्ट वर्क का, है कुछ नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब पता है क्या है? स्मार्ट इज इक्वल टू रिस्क, वो कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है रिस्क लेना, और वो आप लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जब आप पोस्ट की तैयारी करते ना, आप कहते हैं इसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ नहीं छूटना चाहिए। अगर सपोज करो 120 मार्क्स का भाई पेपर है, 120 मार्क्स का पेपर है, इसमें से अगर आपके 90 मार्क्स आ गए ना तो आपको सिलेक्शन से बाहर नहीं कोई कर सकता। कैटेगरी वाले हो तो फिर तो 85 लगा लो, बट अगर ओपन की भी बात करें तो 90 नंबर अगर आपके हैं, 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा माय डियर। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें 100 के ऊपर ही जाना है, तो यहाँ दिक्कत क्रिएट हो जाती है। भाई थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ स्पेशल इंटरेक्ट करने की, चीज़ें बताने की। मुझे पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता कब होती है? जब मुझे लगता है कि इंसान ने बहुत अच्छे से पढ़ा बट उसको समझ ही नहीं आ रही वो चैनलाइज कैसे करे। भाई आप बच्चा पता क्या करता है? बच्चा जब भी कभी नोट्स बनाता है ना, जब भी कभी नोट्स बनाता है वो कभी भी नोट्स को रिवाइज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? नोट्स को पढ़ेगा, फिर देखेगा अच्छा कुछ रहा तो नहीं गया, चलो किसी दूसरे टीचर का वीडियो खोला, उसमें से अगर उसने 4 लाइनें बाद ज़्यादा सुनाई है तो उसमें उस नोट्स में ऐड कर देगा। अगर एक और वीडियो देखेगा उसमें ऐड कर देगा। ओ भैया एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन डालता है ना वो बुक में क्वेश्चन देख के नहीं डालता, वो क्वेश्चन अगर उसके दिमाग में आएगा ना, जैसे अभी आपने देखा क्वेश्चंस, हाँ भाई सत्याग्रह कब हुआ, तो सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, बट अगर उनका दिमाग ख़राब हुआ ना तो वो क्वेश्चन सीधा करंट से उठाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ना तो मत ऐड मत करो भाई, क्योंकि एग्जाम से पहले 24 घंटे हैं सिर्फ, उसको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए 2023 आप लोगों का है तो भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, रिस्क बिना कहानी नहीं चलेगी। आप लोग जिसे स्मार्ट वर्क कहते हो वो स्मार्ट वर्क बेसिकली रिस्क है, तो जब तक ये रिस्क लोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। रिस्क मेरा कहने का मतलब ये कि आपको बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ना है और फोकस करना है आपको रेपिटेटिव रिविजन के ऊपर, एंड यकीन मानो ये रेपिटेटिव रिविजन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जिस बच्चे ने 2 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ा है और जिसके आज भी GK में जिसको प्रॉब्लम आ रही है, समझ लो उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। I'm sorry to say मैं इतने हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए आपको NT के लिए प्रॉब्लमेटिक टेंशन नहीं लेनी, आपको NT के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो पढ़ रहे हो बस उसको अच्छे से पढ़ लो, बाद में रिविजन की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। और बाकी आप सभी को बता दूं लास्ट में कि ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, हमारा ग्रुप 7006332724। आप इस पर मैसेज करो, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाने वाला हूँ। भाई मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, मैं पहले बता दूं, आप सारे ग्रेजुएट हो और मैंने सबकी बैकग्राउंड देखी है। 80% बच्चे ऐसे हैं
जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बट इन बच्चों को डायरेक्शन नहीं है, इन बच्चों को डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस बच्चे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ में कि आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करूँ, सो दैट कि आपको पता लगे कि यार मुझे करना क्या है इस। मैं एक चीज़ मुझे याद रखना, ज़िंदगी में सीधा सीधा कुछ नहीं मिलता, आपको कहीं ना कहीं स्टेप मारना ही पड़ता है, आपको कभी ना कभी थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सोचना ही पड़ता है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट काम करना ही पड़ता है। बट हमारी दिक्कत पता है क्या, हम हमेशा उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जो हमें क्लियर होता है, और याद रखना क्लियर रास्ते पे ऑलरेडी 90% लोग चल रहे हैं, तो भैया अब चांसेस यहाँ बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर आप 10% रास्ते पे चलो तो यहाँ सक्सेस के जो रेट है वो बहुत हाई होता है, और मैं इसी रास्ते की बात कर रहा हूँ, इसी स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूँ। और इसी रास्ते पे आता है आप लोगों का रेपिटेटिव रिवीजन, कंसाइज मटेरियल प्लस रेपिटेटिव रिवीजन, ठीक है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी एंटी कि ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हो, बाकी जैसे ही पोस्ट निकलती हैं हम लोग आपको रिवीजन स्टार्ट करा देंगे। ऑलराइट, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई भी अच्छे अच्छे कमेंट करने हो, सजेशन करना हो, कर लेना। बाकी खुश रहो, थैंक यू सो मच।